बा रे लालू जी एकदम आप फिला दिए, एक वो आपका लड़का से ही लोग परेशान परेशान हो गया है रे भाई। 10 दिन से कहाँ छुपा हुआ था, शराब से, जहरीली शराब से इतना मौत हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, शर्म नहीं आता है, हैं? कहूं चुल्लू भर पानी नहीं मिलता है, पेट में दर्द होता है, दर्द सब निकल जाएगा, ठीक है ना? दर्दिया निकल जाएगा, कित-कित मत खेलो, नहीं तो छेल कित-कित खिला देंगे, ठीक है ना? अरे तेजस्वी जी को हम लोग, तेजस्वी जी पर बिहारी नाच करते हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव के पहले ही सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक बार फिर से राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह ने नीतीश कुमार की पूरी टीम को खदेड़ डाला है और सीधे तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव के क्रेज के सामने नीतीश कुमार की पूरी टीम फेल हो चुकी है। अब बताइए तो ये लोग जदयू के बंडमरू प्रवक्ता लोग, ये लोग का क्या है जी? मने खाते पीते सोते जागते हगते मुते तेजस्वी जी रहता है और दूसरा नहीं है? बारे लालू जी एकदम आप फिला दिए, एक वो आपका लड़का से ही लोग परेशान परेशान हो गया है रे भाई। जो लड़का रोजगार के चर्चा करता रहे हो, पलायन के बारे में रोकने की बात, मजदूरों की बात करता हो, वो लोग ये सब क्या क्या आप मने क्या क्या करते रहते हो रे भाई, हैं? और कुछ नहीं बुझाता है क्या? और कुछ है? आज तक जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तेजस्वी जी के बारे में, तरुण यादव कौन है, तेजस्वी यादव कौन है, सबका तो जवाब मिल गया, कोई जवाब बचा है क्या? कभी तो प्रधानमंत्री के ही निकालेगा थी कि सर्टिफिकेट तो जाति का, कभी सम्राट चौधरी के नकली सर्टिफिकेट, शराबी से केस करवावेगा, सब चीज में फेल, सब चीज में कहानी खत्म, हैं? 10 दिन से कहाँ छुपा हुआ था, शराब से, जहरीली शराब से इतना मौत हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कि कितना लोग मर रहा है, कितना गरीब जेल जा रहा है, कितना परिवार रो रहा है, जिसका बाप जेल चला गया हो, घर में खाने को नहीं हो, हैं? ये सब पर कोई चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, शर्म नहीं आता है, हैं? कहूं चुल्लू भर पानी नहीं मिलता है, शर्म आता है, लोग मोकामा का लोग बोलता है, कहता है लोग, सब लोग कि कहां से ही वंश में बान हो गया है, मोकामा का लोग इतना स्वाभिमानी होता है, हैं? आई कहां से आ गया है भाई? हम लोग कहते हैं अपना कि कर्म भूमि है मोकामा, हम लोग का, वहां का लोग स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है, मगर इसका तो गजबे है रे भाई, ये चर्चा नहीं सुने हो, कभी इस पर नहीं बोलते हो कि ये जो मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी संजीव हंस, हैं? ईडी वाला लोग बोल दिया है, प्रमाण दे रहा है कि पैसा लिया है, जो गरीब का खून चूसने वाला, मध्य परिवार का खून चूसने वाला, जो स्मार्ट मीटर लगाए हो उसमें BMW गाड़ी लिया गया है, आए पैसा कितना लिया गया है, ईडी तो कर रहा है, इस पर कभी तो कुछ नहीं, तो बस तेजस्वी यादव, बस तेजस्वी यादव, कश्मीर में बिहारियों की मौत हुई है, इस पर गए हो क्या? वहां गए हो क्यों? बिहारी लोग का इतना मौत हो रहा है, दिल्ली में मौत हुआ, ये रोकने का कभी पलायन कोशिश किए हो? इस पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? तो तेजस्वी जी ये सब की चर्चा करते हैं तो तुम लोग को दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दर्द सब निकल जाएगा, ठीक है ना? दर्दिया निकल जाएगा, कित-कित मत खेलो, नहीं तो छेल कित-कित खिला देंगे, ठीक है ना? अरे तेजस्वी जी को हम लोग, तेजस्वी जी पर बिहारी नाच करते हैं कि वो जब से रोजगार की बात किए हैं तो रोजगारों की तुम लोग भी चर्चा करने लगे हो, इससे पहले कहाँ चर्चा था, हैं? कोई चर्चा नहीं, कभी नहीं, टाल का, कभी एक बार टाल का नाम लिए हो? मोकामा टाल का, किसान का हाल का क्या है, किसान का हाल क्या हो रहा है, कभी भी करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मांग करते हो कभी? तो तेजस्वी जी ये सब टाई टाई फीस है, यही सब करते रहो, यही में उजराल रहो, ठीक है ना? फिर बताएंगे, ठीक है? लगातार जिस प्रकार से नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ऐसी बल्लेबाजी बिहार की राजनीति में करेंगे कि नीतीश कुमार की पूरी टीम चारों खाने चित हो जाएगी और नीतीश कुमार का जो लगातार बिहार में जो कब्जा रहा है उसके समाप्त होने के दिन अब आ चुके हैं, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से जहरीली शराब की वजह से लगातार मौत हो रही है और इस मौत का कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवार है
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के दुलरुआ आईएएस संजीव हंस ने अवैध संपत्ति बनाए, उसको लेके जेडीयू की तमाम जो नेता हैं वो कुछ नहीं बोलते, मुंह तक नहीं खोलते। देखिए किस प्रकार से अपने बेबाकी बोल के लिए बंटू सिंह ने सीधे तौर पे जेडीयू को घेरने का काम किया और सीधे तौर पे कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।